अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट। देखकर ही दैट मींस थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। बोला सर व्हाट? टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन्स। बेसिकली अगर मैं टॉपिक बात करूं आईसी इंजन परफॉर्मेंस की, तो हम लोगों ने इससे पहले आईसी इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स किए लाइक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, आपकी दैट मीन्स मैकेनिकल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस वगैरह, ये क्या है? दीज आर द पैरामीटर्स। लेकिन आपने एक चीज और नोट करी होगी कि दैट मीन्स कब? जब हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी दैट मीन्स हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था मैकेनिकल एफिशिएंसी इज व्हाट? बोला सर इट इज ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, राइट? बोला सर बिल्कुल, ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। और हम लोगों को पता है ब्रेक पावर क्या है? बोला सर इट इज द आउटपुट है। और बोला सर इंडिकेटेड क्या है? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ इनपुट है, राइट? बोला सर हां। तो हम लोग क्या कहते हैं? बोला सर आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट, कभी भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स हम लोग कहेंगे सर इनपुट है हमेशा ज्यादा होती है, तभी तो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है, या हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, वो लेस देन 100% आती है। बोले सर राइट। तो दैट मीन्स हम लोगों के पास कहेंगे कि सर कभी भी जो ये आपका इंडिकेटेड पावर इज इक्वल्स टू जो ब्रेक पावर है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। इफ यू वॉन्ट टू इक्वल दैट मीन्स यू हैव टू एड समथिंग दिस साइड। That means, वो हमारा क्या होगा? बोला सर इट इज द एफपी, मैंने आपको बताया था। अब बात यह आ जाती है कि सर ये जो एफपी है इस ये क्या होता है? तो आपने कहा था कि सर इट इज द फ्रिक्शनल पावर, आपने मुझे बताया कि सर ये होता है फ्रिक्शनल पावर, राइट? अब फ्रिक्शनल पावर बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बोला सर फ्रिक्शनल पावर इज टोटली अ लॉसेस, ये हमारे क्या है? लॉसेस है, राइट? ठीक है। तो बोला सर सब इंडिकेटेड पावर हम लोगों को पीवी डायग्राम से मिल जाएगा, ब्रेक पावर हम लोगों को डायनेमोमीटर से मिल जाएगा, सर ये फ्रिक्शनल पावर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? दैट मींस सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि सर ये फ्रिक्शनल पावर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली। तो सर हाउ वी डिटरमाइन दिस फ्रिक्शनल पावर? तो दैट मीन्स इस चीज के लिए आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी डिटरमाइन दिस फ्रिक्शनल पावर, उसी के लिए दैट मीन्स ये टॉपिक है। दैट मीन्स क्या? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, राइट? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ ये टॉपिक पता होता है कि सर इट इज दिस। तो जो टॉपिक बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द फ्रिक्शनल पावर ऑफ एन इंजन। अगर हमें फ्रिक्शनल पावर पता चल जाएगा तो हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं, राइट? या हम लोग बता सकते हैं कि मेरा इंजन कितना एफिशिएंट है, राइट बेटा, या कितना इसमें लॉस हो रहा है, क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो टेस्टिंग होती है आईसी इंजन की, कितने टाइप्स होते हैं, किस कैसे कैसे हम लोग एक आईसी इंजन की टेस्टिंग कर सकते हैं, और मैं बेसिकली आप लोगों को उसका एक मेथड बता दूंगा, उसका कोई थ्योरेटिकल नहीं लिखूंगा क्योंकि बेटा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा कि हाउ वी परफॉर्म दीज टेस्ट, उसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि नहीं पूछा जाता। और आप लोगों को पता है कि सर मेरा एक हमेशा एक अप्रोच होती है कि सर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता हूं, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता। बेटा आपका टाइम प्रीसियस होना हो, मेरा बड़ा टाइम प्रीसियस है, राइट? तो याद रखिए। तो इसके अंदर आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं आईसी इंजन के अंदर, और वो तीनों क्या क्या दैट मीन्स जो क्या है डिटरमाइन करते हैं, और कैसे हम उनको परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि दैट मींस देयर आर मेनली दैट मींस देयर इज अ थ्री मेथड्स हम लोग क्या करते हैं यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ
आईसी इंजन, फॉर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन मेनली थ्री मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है, और वट एवर जो होते हो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मैंने बोला सर मैं अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूं, जो मेरे सिलेबस में दिए हुए हैं, जो मुझे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा मैं बात करूंगा। क्यों बोला सर, कई लोग कहते हैं कि हम लोग बात कर ले सर नवे डेज तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, राइट, ठीक है। तो सर कौन कौन से वो टेस्ट है एक बार हमसे रूबरू करवा दीजिए, तो रूबरू होइए बेटा। सबसे पहला टेस्ट हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज व्हाट, मोर्स की टेस्ट, इट इज द मोर्स की टेस्ट, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, बोले सर इट इज द मोर्स टेस्ट, मोर्स, इट इज द मोर्स टेस्ट, मोर्स की टेस्ट भी बोल दिया जाता है और इसको हम लोग मोर्स टेस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड टेस्ट मेरा बेटा होगा कौन सा, बोला सर इज आर द मोटरिंग टेस्ट, मोटरिंग टेस्ट, और तीसरा बेटा हम लोग कह देंगे बोला सर इट इज द विलियम्स लाइन मेथड, इट इज द विलियम्स लाइन मेथड, विलियम्स है ये, WILN है, सॉरी एन है ये, विलियम्स लाइन मेथड मेनली। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, अच्छे अच्छे से एग्जाम जो होते हैं उनके भी और जो छोटे एग्जाम हैं उनके भी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये दैट मीन्स टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में दैट मीन्स इंपॉर्टेंट होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो वहां पर इन्हीं तीन टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो मैं हर एग्जाम को यहां पर कवर करूंगा कि इसके अंदर ये होगा, ठीक है। बाकी जो लोग जैसे अभी आपका एसएससी जेई अक्टूबर में आने वाला है तो उसके लिए दैट मींस वाला सर, हाँ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बता दूंगा, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, सिर्फ उतना ही लिखना, इसका ये हाउ परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको नहीं निकला, क्या पूछेगा वो मैं आपको डिटेल कर दूंगा, उसके लिए आप डोंट बॉदर अबाउट दैट, मैं बैठा हूं मैं करवाऊंगा, ठीक है। चले तो हमारे पास तीन टेस्ट हो गए, सबसे पहले हम उनको नाम पता होना चाहिए सर, मोर्स की और दैट मीन देयर इज अ मोर्स टेस्ट, दूसरा हमारा हो जाएगा दैट मीन देयर इज अ मोटरिंग टेस्ट, और हम लोग बात करेंगे क्या, दैट मीन देयर इज अ विलियम्स लाइन मेथड हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि सर ये जो टेस्ट है वो क्या काम आते हैं, तो वन बाय वन हम लोग लेकर चलेंगे कि सर कौन सा टेस्ट क्या काम आएगा, तो आप यहीं से, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहीं पर लिखें या हम लोग, यहां मेरे पास स्पेस होगा नहीं, यहां मेरे पास स्पेस नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मोर्स की टेस्ट। तो इसके अंदर हम दो पॉइंट लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लोग दो पॉइंट लिखकर चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कि सर मोर्स की टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट यूज्ड टू डिटरमाइन indicated or it is used to determine indicated power or frictional power, indicated power or frictional power, ठीक है। तो ये क्या काम करता है बोले सर, वो इंडिकेटेड पावर या फ्रिक्शनल पावर को क्या करता है, डिटरमाइन करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर जब आपने हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी पढ़ाया था तो आपने वहां पर हमको एक फॉर्मूला बताया था इंडिकेटेड पावर का, क्या पीएम इंटू एल ए इंटू एन बाय 60, ये क्या है इंडिकेटेड पावर है। बोले सर यहां से तो इंडिकेटेड पावर, तो ये फॉर्मूला क्या है। ये बेटा मैंने इसलिए लिखा कि कई बार क्या है जैसे एग्जाम से बेसिकली ये जो फॉर्मूला है बेसर बेटा आप लोगों का फ्रिक्शनल पावर को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल पावर आप जब निकालेंगे तभी आप लोगों के पास क्या आएगी, दैट मींस, लेकिन कई एग्जाम्स में दैट मींस फ्रिक्शनल पावर ना देकर वो इंडिकेटेड पावर भी देते ऑप्शन में, सपोज दैट जब हमारे पास फ्रिक्शनल पावर ही नहीं है तो दैट मींस ऑप्शन क्या करोगे, उसको छोड़ के आओगे, नहीं तो हम लोग कह देंगे कि सर इंडिकेटेड पावर में यहां पर हम टिक करके आ सकते हैं सो दैट मेरा गलत ना हो। तो मैंने वही यहां पर लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर किस कौन सा किसके लिए है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, एक चीज। दूसरा पॉइंट इसके लिए आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है वो इसके लिए मैं लिखूंगा बेटा, वो क्या होगा,
दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट होगा आपका, ये मेरा दूसरा पॉइंट होगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट होगा क्या कि बोला सर इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन। ये बेसिकली बेटा आप लोगों के पास जैसे आपकी बाइक है वो एक सिंगल सिलेंडर की बाइक होती है, ठीक है, जनरली आप लोग जो बाइक लेते हैं तो दीज आर सिंगल सिलेंडर। अब हमारी जो कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बड़ी बड़ी बसेस हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो मेरा बच्चा ये जो इंजन है मोर्स की टेस्ट और द मोर्स टेस्ट सिर्फ एप्लीकेबल कहां पर होगा, ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो किसके लिए यूज होगा, बोले सर इट इज फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, राइट, क्लियर है। अब बात करते हैं, अब यहां से एक और चीज, दैट मींस वो क्या करता है, बच्चों को ये पता होता है कि सर ये इंडिकेटेड पावर फ्रिक्शनल पावर लेता है, ठीक है। दूसरी बात क्या देगा कि सर ये क्या करता है, मल्टी सिलेंडर इंजन का दैट मींस क्या कर देगा, यूज करेगा, राइट। हाँ, अब कहेंगे सर सर मल्टी सिलेंडर इंजन तो सर SI भी होता है और CI भी होता है, यानी पेट्रोल इंजन के भी मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, डीजल इंजन के भी मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो सर किसका, किसका, SI का, CI का। तो हम लोग कह देंगे मल्टी सिलेंडर इंजन ऑफ, मल्टी सिलेंडर ऑफ एनी इंजन। तो ये हम लोग कह दें तो सब लोग यहां पर बोलेंगे, अगर हम लोग यहां पर लिख दें तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर चाहे वो SI हो चाहे वो CI हो, तो दोनों के लिए दैट मीन्स यही यूज होगा। कभी अभी वो लिख दे एक बार, ऐसा किया भी है कि दैट मीन्स द मल्टी सिलेंडर इंजन ऑफ SI, मल्टी सिलेंडर इंजन ऑफ SI इंजन, मल्टी सिलेंडर SI इंजन, मल्टी सिलेंडर CI इंजन, मल्टी सिलेंडर बोथ, तो आप क्या कहेंगे, बोथ के लिए क्लियर होगा, ठीक है। तो मोर्स की टेस्ट से आपसे सिर्फ ये चीजें पूछेगा, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, मैं लिख के देता हूं, क्लियर है, हो गया। नाम पता होना चाहिए, क्या करते हैं वो पता होना चाहिए, क्लियर है। ऐसे ही हम लोग चलते हैं बेटा किसके बारे में, दैट मीन देयर इज अ मोटरिंग टेस्ट के बारे में। ये मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा कौन सा कैसे हम परफॉर्म करते हैं, राइट, चलें आगे। चलो चलो इसको रहने देते हैं हम लोग, पहले हम लोग यहीं से चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा टेस्ट आया गुरुदेव, दूसरा टेस्ट है मेरे पास क्या, बोले सर इट इज द मोटरिंग टेस्ट। कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्स की मैं बात कर लूं, तो जो मोटरिंग टेस्ट है बेसा बेटा वो बेसिकली क्या है, बोले सर इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, लिख देता हूं मैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल पावर। ये बेसिकली किसके लिए काम आता है, बोले सर इट इज यूज फॉर द फ्रिक्शनल पावर, एक। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, बोले सर इट इज फॉर सिंगल सिलेंडर इंजन। तो मल्टी सिलेंडर के लिए कौन सा काम आता है, बोला सर मोटरिंग टेस्ट, और बोला सर जो सॉरी मोर्स की टेस्ट, और हम लोग सिंगल सिलेंडर के लिए किसको यूज करते हैं, मोटरिंग टेस्ट, क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, बोला। अब चलते हैं आगे, थर्ड हमारे पास आता है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ विलियम्स लाइन मेथड, थर्ड विलियम्स लाइन मेथड, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एक ग्राफ बनाया जाता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली बेटा हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में बेटा बेसिकली क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और एक मेरे बच्चे यहां पर आप लोगों का वर्टिकल एक्सिस होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, एक मेरा वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं क्या लेता हूं, बोले सर इट इज द मास ऑफ फ्यूल पर, दैट मींस देयर इज अ रेट ऑफ फ्यूल, या हम लोग कह दें द मास ऑफ फ्यूल पर आवर, कि कितना दैट मींस रेट है। इस वाले एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, बोले सर इट इज द ब्रेक पावर,
वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या आएगा, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आएगा, और दैट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर। क्लियर है? और हम लोग क्या कह दें, दैट मींस ये जो डायग्राम है वो दैट मींस क्या है, कुछ इस तरीके से, दैट मींस हम क्या करेंगे इसको यहां पर देखते हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या होगा, बोले सर ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा, ठीक है? तो देखो, ठीक है, अब इस डायग्राम बना, इस पे आपने ब्रेक पावर लिया, इस पे आपने मास लिया, आपने क्या किया, इंजन को रन किया, इंजन को जब हमने रन किया, इंजन को जब हमने रन किया तो रन किस पर किया, बोले सर एट कॉन्स्टेंट स्पीड, एट कॉन्स्टेंट स्पीड हम लोगों ने इंजन को एक कांस्टेंट स्पीड पर रन किया। जब हमने कांस्टेंट स्पीड पर रन किया तो ऑब्वियसली बात है वो फ्यूल भी कंज्यूम करेगा और उसके एक ब्रेक पावर भी आएगी। जब उसकी फ्यूल कंज्यूम करेगा और एक जब ब्रेक पावर हमारे पास आएगी तो उसको हमने क्या किया, दैट मींस इस डायग्राम पर प्लॉट कर लिया। और जब इस डायग्राम पर हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, जब इस डायग्राम पर प्लॉट कर लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास बेटा क्या मिला, हमारे पास एक, दैट मींस इस डायग्राम पे क्या मिलेगी, बोले सर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहां पर आ जाएगी, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहां पर आएगी। तो आप देख रहे हो कि आपने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, जब तक मेरी ब्रेक पावर, या हम लोग कह दें इस एक्सिस पे ब्रेक पावर, जब ब्रेक पावर जीरो नहीं हो जाती वहां तक हम लोगों को क्या करना है, इसको लेके चलना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव ब्रेक पावर जो आपके पास आ रही है, भाई ये तो आपकी ब्रेक पावर होगी ही होगी, जो नेगेटिव ब्रेक पावर आप लोगों की है यही किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोला सर मेरी फ्रिक्शनल पावर को रिप्रेजेंट करेगी। यही आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो नेगेटिव ब्रेक पावर है, इट इज रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज रिप्रेजेंट व्हाट, बोले सर इट इज द फ्रिक्शनल पावर। क्लियर है? तो ये आपका मास फ्लो रेट होगा, ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन मुझे देगा। तो बेसिकली क्या करेगा, ये कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है। दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिटरमाइन फ्रिक्शनल पावर, क्या बोले सर फ्रिक्शनल पावर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन जो जो पूछेगा मैं वही बात कर रहा हूं, वो पूछेगा विलियम्स लाइन मेथड कैसे काम करता है, तो बोले सर कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है। हॉरिजॉन्टल कर्व किसको दिखाता है, बोले सर रेट ऑफ फ्यूल को दिखाता है, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। दो दैट मींस किसके लिए काम आता है, बोले सर फ्रिक्शनल पावर के लिए यूज होता है, इतना पूछता है। लेकिन अब बोले सर हम मेनली जो है वो दो टेस्ट ज्यादा यूज करते हैं, एक मोर्स की टेस्ट और एक मोटरिंग टेस्ट। ये टेस्ट दैट मींस क्यों नहीं यूज इतना किया जाता, क्योंकि बेटा बेसिकली आप लोगों ने देखा है कि ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। That means, हम लोगों को क्या चाहिए, बोले सर हम लोगों को डाटा चाहिए। जब हम लोगों को बहुत डाटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बोले सर आप लोगों को बहुत एक डिस्टेंस तक आपको गाड़ी को ट्रेवल करना पड़ेगा। जब डाटा, जब डिस्टेंस तक ट्रेवल करोगे तो आप लोगों को बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा करना पड़ जाता है तो हम लोग कह देते हैं इस कई बार होता है डाटा गलत लिख लिया जाए, तो कई बार क्या होता है डाटा गलत लिख दिया जाए तो वो डाटा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, एरर आते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो बता दीजिएगा कौन से स्पीड पर काम करता है, इसमें मास फ्लो रेट होता है और ये फ्रिक्शनल पावर के काम आता है, राइट? ठीक है, तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया, यही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि भाई तीनों मेथड क्या क्या आपके काम करते हैं, तो बता देंगे गुरुदेव, बिल्कुल बता देंगे। चलो अब मैं बात कर रहा था कि सर जो मेरा मोर्स की टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करता है। मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि सर कैसे इनको परफॉर्म किया जाता है, आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सो दैट आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, मोर्स की टेस्ट किसके लिए यूज होता है भैया, किसके लिए, बोले सर मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए। तो हम लोग लिख दें इसको मोर्स टेस्ट, आप इसको लिख दीजिए, बोले सर इट इज द मोर्स टेस्ट। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या किया जाता है, चाहिए आईसी इंजन, चाहिए एससीआई इंजन हो, चाहिए एसआई इंजन हो। तो सीआई इंजन अगर होगा तो बेटा आप लोगों को पता है कि अगर सीआई इंजन होगा तो यहां पर क्या लगा होगा, यहां पर क्या लगा होगा, बोले सर यहां स्पार्क प्लग होगा। और अगर गुरुदेव, अगर गुरुदेव ये क्या हो, अगर ये आपका दैट मीन देयर इज अ व्हाट, डीजल इंजन हो,
डीजल इंजन हो तो यहां पर क्या लगा होगा, फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा, राइट। तो एक बार में आपको एक को ही लेके चलना है, कभी दोनों में एक बार ये कर लिया एक बार ये कंसिडर कर लिया, हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस इंजन को रन करेंगे। इसमें कितने सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, बोला सर हम लोग इसको चार सिलेंडर मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंडर को रन करेंगे। ये क्या है आपकी, ये है गुरुदेव मेरी इंजन शाफ्ट, राइट। ठीक है, ये आपकी क्या है, बोले सर दिस इज द इंजन शाफ्ट। ऑब्वियसली बात है सभी कनेक्टिंग रोड से जुड़ी हुई है, बोले सर हाँ। तो अगर मैं बोलता हूं सर इन चारों इंजन को हमने क्या किया, फ्यूल दिया, फ्यूल देके दैट मींस हम लोगों ने इन चारों सिलेंडर को हमने चलाया, तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो इंजन है, हमारी जो इंजन है वो हमको कुछ ब्रेक पावर देगा, कुछ ब्रेक पावर देगा, बिल्कुल देगा, कुछ इंडिकेटेड पावर भी, ऑब्वियसली बात है इंडिकेटेड पावर आया तभी तो ब्रेक पावर आया, और जब इंडिकेटेड ब्रेक पावर है तो हमारे पास फ्रिक्शनल पावर भी होंगे, तो बोले सर बिल्कुल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे when all cylinders are fired, जब आपने चारों सिलेंडर को एक साथ फायर किया, जब आपने चारों सिलेंडर को एक साथ जब फायर किया तो मुझे इंडिकेटेड पावर मिलेगी चारों की, बोले गुरुदेव बिल्कुल मिलेगी, चारों की ब्रेक पावर मुझे मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, और बोला सर चारों की ही मुझे फ्रिक्शनल पावर भी मिलेगी, बोलिए मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, बोला सर बिल्कुल मुझे मिलेगी, क्लियर है, अब आ जाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस अभी आपने चारों चलाए, अब आप क्या करेंगे, सपोज दैट आपने क्या किया, एक सिलेंडर को कट कर दिया, आपने क्या किया, एक सिलेंडर को हमने सपोज दैट कट कर दिया, एक सिलेंडर को हम लोग फ्यूल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, एक सिलेंडर को हम फ्यूल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, बाकी के तीन सिलेंडर को हम फ्यूल सप्लाई दे रहे हैं। अब फ्यूल सप्लाई तीन सिलेंडर को देंगे एक को नहीं देंगे, तो दैट मींस कितने सिलेंडर चलेंगे, बोले सर तीन सिलेंडर आपके वर्क करेंगे। जब तीन सिलेंडर आपके वर्क करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, दैट मींस मुझे ब्रेक पावर मिलेगी, मुझे ब्रेक पावर मिलेगी, बोले सर बिल्कुल ब्रेक पावर मिलेगी, तो मैंने बोला मुझे ब्रेक पावर मिली सपोज दैट 3B1। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दैट मींस सपोज दैट आपने पहले पहला सिलेंडर लगाया था, आपने पहले पहला सिलेंडर कट ऑफ किया था, अब आपने क्या किया, दूसरा सिलेंडर ये वाला कट ऑफ कर दिया, ये तीनों चलने दिए, तो दैट मींस फिर से मेरे पास मुझे ब्रेक पावर मिलेगी तीन की, बोला सर हाँ। अब आपने क्या किया, तीसरे वाला कट ऑफ कर दिया, बाकी दो पहले दो चलने दिए, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 3B3, और ऐसे ही हमने लास्ट वाला किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज 3B4। अलग अलग मैंने तीनों की ब्रेक पावर निकाल दी, अब तीनों की ब्रेक पावर अगर निकाल दी तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा, और तीनों चारों को जोड़ के चार से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल तीन सिलेंडर जब फायर किए तो उसकी मुझे ब्रेक पावर मिल जाएगी, बोले सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी भैया, इक्वेशन मेरे पास बनेगी जब तीन सिलेंडर हमने फायर किए तो 3i = what, बोले सर इट इज 3B+ में what, बोले सर इट इज द 4F, गॉट इट। अब कई लोग बच्चे कहेंगे सर 4F कैसे आया, 3i 3 समझ में आया, 3B समझ में आया, 4F कैसे आया, अरे मेरा बच्चा आपने दैट मींस उसको एक इंजन को कट किया, फायर तो नहीं किया लेकिन चला तो सही ना, क्योंकि इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा तो फ्रिक्शनल पावर तो आएगा ना, बोले सर हाँ। जब ये मेरे पास आई तो दोनों को मैं क्या कर लूंगा, बोले सर ए उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हम लोग देख लेंगे कट जाएगा, तो ये मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, इट इज 4B - 3B, ये आ जाएगा, बोले सर हाँ। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बोले सर आई मेरे पास क्या आ गया, बोले सर इट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ इंडिविजुअल सिलेंडर। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सिलेंडर की मेरे पास इंडिकेटेड पावर का आई, वो कैसे आई, 4B - 3B, 4B होगा 3B होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई। ठीक है, अब बोला सर सिलेंडर तो आपने यहां चार लगा रखे हैं, देन क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, दैट मींस क्या कर दूंगा, बोला सर 4 into i, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 into 4B - 3B, तो यहां से मैं क्या करूंगा 4 इंडिकेटेड पावर निकाल लूंगा, 4 सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर आ जाएगी, बोला सर आ जाएगी, तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे कि भाई हमारे पास 4 सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर आ गई, ब्रेक पावर आपके पास है तो फ्रिक्शनल पावर निकाल लोगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल लोगे, और सर बिल्कुल मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो
इस तरीके से जो आपका मोर्स की टेस्ट है वो क्या करता है, वर्क करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डाटा अलग अलग लेते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे और चीजें निकाल लेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट बोल सर। हाँ, तो ये था परफॉर्म, कैसे परफॉर्म ये करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर? बोले सर मेरे मोटरिंग टेस्ट पर। तो आ जाओ जरा, ठीक है। इसमें ज्यादा दैट मीन डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैंने जितना बताया हाँ दैट मीन इतना है, देख लीजिएगा। इससे ज्यादा आप लोगों से वो पूछता ही नहीं है कि भाई मोटरिंग टेस्ट और कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोटरिंग टेस्ट की, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुई, ये मेरा सिलेंडर हुआ, ये मेरे पास हो गई बोले सर माय इंजन शाफ्ट, इंजन शाफ्ट। इसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे? देखो आपने क्या किया, आपके पास ये सिलेंडर है, आपने इस सिलेंडर को क्या किया बोले सर फायर किया, हमने इस सिलेंडर को फायर किया दैट मीन्स हमने इसको फ्यूल दिया, फ्यूल करके हमने इसको जलाया, कंबशन हुआ एक्सपेंशन हुआ इंजन शाफ्ट आपकी रोटेट करी, इंजन शाफ्ट बोला गुरुदेव आपकी रोटेट करी। जब इंजन शाफ्ट मेरी रोटेट करी तो मैंने क्या कर लिया कि जब मेरा इंजन फायर हो रहा है दैट टाइम आपकी इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी, दैट टाइम जब इंजन रोटेट करेगी तो मैंने क्या कर लिया दैट मीन्स उसकी स्पीड नोट कर ली। सपोज दैट मेरे पास क्या आई कि बोले सर इट इज एक्स मीटर पर सेकेंड, भाई इसकी स्पीड ये थी राइट, बोले सर इट इज द एक्स मीटर पर सेकेंड थी स्पीड जब आपने क्या किया, जब इस इंजन को फायर किया राइट बोल हाँ। अब आपने क्या किया दैट मीन्स ये स्पार्क प्लग वगैरह सब कुछ हटा दिया, आपने इस सिलेंडर को कोई भी फ्यूल वगैरह नहीं दिया, आपने क्या किया इस इंजन शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया एक मोटर के साथ, ठीक है, जो घर की मोटर होती है पानी वाली, घर की जो मोटर है पानी वाली, आपने क्या कर दिया इस इंजन शाफ्ट को इस मोटर से आपने कनेक्ट कर दिया। अब मोटर को आपने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। जब मोटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ऑब्वियस सी बात है मोटर आपकी रोटेट करी। जब मोटर मेरी रोटेट करी तो मोटर इज कपल्ड विद द इंजन शाफ्ट, तो मेरा इंजन शाफ्ट भी मेरी रोटेट करेगी, बोले सर हाँ। तो आप क्या करो उस मोटर को तब तक पावर सप्लाई देते रहो, उस मोटर को तब तक पावर सप्लाई देते रहो जब तक कि इस इंजन की शाफ्ट जब आपने फायर किया था उसके बराबर ना हो जाए। दैट मीन्स क्या किया कि बोला सर हमने क्या किया उस मोटर को तब तक पावर देते रहे जब तक कि इंजन की शाफ्ट आपकी क्या हो जाए, ये आपने क्या किया था, ये स्पीड आपने नोट की थी जब when इंजन इज फायर्ड तो एक्स आई। तो आप क्या करेंगे, आप भी करेंगे दैट मीन्स मोटर पावर दे रहे हैं तब भी आपके पास क्या है स्पीड आएगी। तो आप जितनी मोटर को पावर दे रहे हो तब तक पावर देते रहो जब तक की स्पीड उसकी क्या हो जाए, ये स्पीड दैट मीन्स क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए, बाय मोटर की और ये दोनों जब एक्स मीटर पर सेकेंड पर आ जाएंगी, जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी उसकी भी रिस्की भी, तो हम लोग क्या देखेंगे कि दैट मीन्स द पावर गिवन टू द मोटर, हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि पावर गिवन टू द मोटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रिक्शनल पावर, एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रिक्शनल पावर। जो आप मोटर को बेटा पावर दे रहे हो वो किसके बराबर होगी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉट, बोले सर
फ्रिक्शनल पावर ऑफ दैट इंजन। तो अब इसी बात आप लोगों को पता चल जाएगी, आपने इतनी पावर दी मोटर को, तो वही पावर किसके बराबर होगी, उस इंजन की फ्रिक्शनल पावर के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से जो मोटरिंग टेस्ट है, मोटरिंग मतलब हमने क्या किया, मोटर की हेल्प ली, मोटर को वहां पर ऐड कर दिया, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि बोल सर इट इज द मोटरिंग टेस्ट। हम लोगों को पता हमने इतनी पावर दी, उसको मेजर कर लेंगे, हमने मेजर करके हम देख लेंगे इतनी पावर दी है, तो वो पावर जो है उसकी इस इंजन के फ्रिक्शनल पावर के बराबर होगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ। देखिए अब कहेंगे सर कैसे, ऑब्वियसली बात है, देखो भैया अब यहां पर क्या, आप इसने मोटर को चलाया, मोटर आप लोग चलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, जब मोटर मोटर से ये शाफ्ट चल रही है, मोटर से जब आपकी ये शाफ्ट चल रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस देयर इज एफएस, एफएस का मतलब सप्लाइंग फोर्स। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा होगा, जब ये ऊपर नीचे जा रहा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जब ऊपर नीचे जा रहा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, इस FO, FO is the opposing force. तो सप्लाई फोर्स हम इधर दे रहे हैं, अपोजिंग फोर्स मेरा नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, इन दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं जब ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब समझ देंगे कि सर जितनी पावर आप लोग मोटर को दे रहे हो वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रिक्शनल पावर ऑफ दैट इंजन। तो इस तरीके से बेटा ये दोनों इंजन जो है वो क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेस्टिंग की जाती है आईसी इंजन की। तो ये आप लोगों के लिए नॉट इंपॉर्टेंट कि सर कैसे ये परफॉर्म करते हैं, कैसे इन टेस्ट को हम लोग करके देखते हैं, वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रखना है कि विलियम्स लाइन मेथड जो है वो क्या काम आता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, ग्राफ बनता है, तो ग्राफ कैसे बनता है, तो कांस्टेंट स्पीड डिटरमाइन फ्रिक्शनल पावर ग्राफ, इनमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पर क्या होता है, ये आपको है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा रखा हुआ, ठीक है। दूसरा, मोटरिंग टेस्ट क्या करता है, मोटरिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फ्रिक्शनल पावर, इट इज यूज फॉर द सिंगल सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर मोर्स की टेस्ट, मोर्स की टेस्ट को मोर्स टेस्ट भी कहते हैं, इट इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिकेटर पावर और द फ्रिक्शनल पावर, एंड इट इज यूज फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन, चाहे वो SI इंजन हो चाहे वो CI इंजन हो। ये इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बताया उतना आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। परफॉर्म नहीं करना है, कैसे परफॉर्म करना है आप लोगों, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई ऐसी नॉलेज है, ये याद रखो। गॉट इट मेरे बच्चे, आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।